नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की बम्पर भर्ती, जल्द संपर्क करें द आयरिस स्कूल, पुराजोधी, मुकेलीगंज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, गिव योर चाइल्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। विंडोज INC रोडवेज आजमगढ़, UPVC विंडो और डोर्स के विक्रेता। GD ग्लोबल स्कूल करतारपुर बाईपास आजमगढ़, एडमिशन ओपन। और वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कम्प्लीट हार्डवेयर स्टोर। भले ही सरकार सड़कों व पुलों के निर्माण व मरम्मत को लेकर तमाम दावे करती रहे, लेकिन अभी भी ऐसी कई खामियां हैं जिनके चलते लोगों की जान पर बना रही है। आजमगढ़ शहर से सटे सिधारी पुल के दोनों तरफ का अप्रोच बुरी तरह धस गया है, जो इस बात की गवाही दे रहा है। आजमगढ़ शहर के किनारे बहने वाली तमसा नदी पर सिधारी पुल करीब 25 वर्ष पूर्व बना है। यह मार्ग बहुत व्यस्त है। मऊ बलिया जाने के लिए छोटे बड़े वाहनों के लिए इस पुल का इस्तेमाल होता है। पुल के किनारे ही जलकल की पाइप लगी हुई है, जिससे काफी दिनों से पानी का रिसाव हो रहा था, लेकिन इसकी मरम्मत का कार्य नहीं होने से पूरी मिट्टी किनारे की धस गई और बड़ा गड्ढा बन गया। संयोग था कि आज दूसरे शनिवार के अवकाश का दिन था और भीड़ भाड़ नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बहरहाल जैसे ही इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को दी गई तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने प्रभावित मार्ग को बंद कराकर अपने कब्जे में ले लिया। वहीं नगर पालिका PWD अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुल की मरम्मत का कार्य जारी था। स्थानीय सभासदपति ने बताया कि लगातार इसकी सूचना दी जा रही थी, लेकिन नगर पालिका ने इसका संज्ञान नहीं लिया। आज जब बड़ा गड्ढा हो गया तब लोग यहाँ पहुंचे हैं। PWD के असिस्टेंट इंजीनियर ने बताया कि नगर पालिका को पाइपलाइन को लेकर नोटिस भेजा जाएगा। गड्ढे की मरम्मत का कार्य जारी है और जल्दी ही मार्ग दुरुस्त कराकर आवागमन के लिए इसे खोल दिया जाएगा। पुल का वो एक अप्रोच मैसेज के लगे हुए सटे हुए जो पाइपलाइन जा रही है जल निगम की, तो वो फट गई है। उसके फटने की वजह से दोनों साइड में, चाहे वो सिधारी की तरफ हो और चाहे शहर की तरफ हो, इसमें पानी नीचे नीचे बहता रहता है, जिससे जो है अप्रोच डैमेज हुई है। अच्छा सर, लगभग ये कितना साल पुराना है और कितनी बार इसको मेंटेन किया गया था? इसको लगभग ये मान के चलिए कि 25-30 साल पुराना तो होगा ये। सिधारी पुल पे पिछले 5 दिन हुआ है, जलकल का जो पाइपलाइन होता है 5 दिन से फटा हुआ है। विभाग को जानकारी फोन के द्वारा दी गई, लेकिन विभाग से कोई कार्रवाई नहीं हुई। विभाग यह देख रहा था कि कोई अनहोनी हो जाए, उसके बाद हम जो है जगेंगे। तो किसकी लापरवाही आप मानते हैं? नगर पालिका प्रशासन की पूरी लापरवाही है। नगर पालिका प्रशासन, अधिशासी अधिकारी और जिसके चलते अभी दुर्घटना नहीं हुई है, दुर्घटना हो जाती तो उनकी नींद खुलती। मैंने इसके संबंध में जो है फेसबुक पे मेरा वीडियो चल रहा है, वायरल किया है, वो भी देख लीजिए आप लोग। मैंने JE को भी बताया इस संबंध में फ़ोन करके कि आप देख लीजिए आकर। उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी हम दिखवा लेते हैं, अभी तक कोई कर्मचारी नहीं आया है। जब कोई दुर्घटना हो जाएगी तो नगर पालिका आएगी और प्रशासन जगेगा। अभी फिलहाल क्या स्थिति, दोनों तरफ से रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है क्या? स्थिति यह है कि अगर कोई गाड़ी आएगी उसमें धस जाएगी, और कोई जो है निर्जीव आदमी या कोई जो है असहाय व्यक्ति जो उसमें से फंस जाएगा या मर जाएगा, तब जो है प्रशासन और शासन जगेगा। स्थानीय निवासियों ने बताया कि वाटर सप्लाई की पाइप का ज्वाइंटर खुल जाने से मड़िया में सप्लाई का गंदा पानी आ रहा था। क्या जो ज्वाइंटर है खुल गया था, इसी के कारण ये पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा था, इसकी वजह से यहाँ जो सड़क थी वो धस गई है। और प्लस यही पानी मोहल्ले में जाता है, मड़िया मोहल्ले में पानी सारा सब गंदा आ रहा है और मोहल्ले वाले भी परेशान हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि पानी आ कहाँ से रहा है। तो शिकायत तो किए थे 2-3 बार, मगर कोई सुना नहीं। करे हो जाएगा बस, और कुछ हुआ नहीं था। आज क्या बड़ी घटना घटी है? तो आज तो बहुत ज़्यादा धस गया था। सुबह में तो आए तो बहुत ज़्यादा धस चुकी थी गाड़ी, सड़क। जी हाँ जी, सुबह में हम लोग सोचे कि मतलब ये थोड़ा सा बैरिकेडिंग कर दें कि मतलब कोई हादसा ना हो, इसी के कारण हम लोग ये बैरिकेडिंग किए थे। और मोहल्ले वाले भी लोग आए थे साथ में कि मतलब कोई दिक्कत ना हो। तो ये ऐसी घटना दोबारा कभी हुई थी? नहीं, इधर ये घटना पहली बार हुई कि एक बार हो चुकी है, 2 से 4 महीना हो गया होगा। जी, क्या चाहते हैं आप लोगों की इसकी? यह जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाए और प्लस सब कुछ ठीक हो जाए, और कोई हम लोग यही चाहते हैं गांव में पानी। आवागमन बंद कर दिया गया है? जी हाँ, बंद कर दिया गया है। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल और दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र में तो हालात इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि वहाँ कुछ जिलों में आंशिक रूप से लॉकडाउन लगाना पड़ा है।
वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। आजमगढ़ में महीनों बाद शनिवार को 754 व्यक्तियों की जांच में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जनपद में अब तक 6000 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 5899 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 95 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस समय 6 एक्टिव केसेज हैं। बहुत दिनों बाद शनिवार को 4 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जनपदवासियों को अधिक सावधान रहने की जरूरत है। कोविड की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करना होगा और वैक्सीनेशन में तेजी लानी होगी, नहीं तो जिले में हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। आसमान पर बादलों के डेरा डालने के साथ साथ तेज हवाओं के चलने से लोगों को फिलहाल गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ तमाम लोगों को फिर से स्वेटर जैकेट इनर पहनने पड़े हैं। मौसम में एकाएक आए इस बदलाव से किसानों की चिंता बढ़ गई है। कोरोना के चलते बैकफुट पर गए किसान अब मौसम की मार पड़ने की कल्पना से ही कांप रहे हैं। बदले मौसम में बढ़े बारिश, बूंदाबांदी व ओलावृष्टि की आशंका ने उनके माथे पर सिकन बढ़ा दी है। गेहूं की खड़ी फसल व लहलहाती सरसों की खेती को लेकर उनकी चिंताएं बढ़ी हुई हैं। अरे भाई, हम लोग तो यही चाहते हैं कि मौसम न हो, ठीक है रहे, फसल पहान हो न हो, यह लोग चाह जाता। और का नुकसान होगा? अरे नुकसान तो ढेर हो जाए, गिर पड़ जाए, हल्का हो जाए गेहूँ। हाँ, धान भी होता है हल्के में, गेहूँ कम होता है, हल्का हो जाता है, यही सब है फसल में। किन किन फसलों को नुकसान होगा बारिश से? बारिश में मान ले आलू उलू की फसल तो खनी गई है, सरसों पे हान हो जाएगी, झर जाएगी, हवा पानी होगा। फिर गेहूँ पर हल्का हो जाएगा, पका उका भी तो पका नहीं, पका रहता तो झर जाता है आनी बाव, ये सब नुकसान है फसल पर होता है। नुकसान तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि फसल बारिश हो जाएगी, हवा चलेगा, उससे फसल नष्ट हो जाएगी। ओला अगर कहीं गिर गया तो और बेकार हो जाएगा और किसान बेकार हो जाएगा। कितना नुकसान होता है किसानों का? अरे ये मान के चलिए कि 50% से ज़्यादा हो जाएगा। गेहूं बिल्कुल अब पकने वाला है और कहीं मौसम बारिश हो गई, ओला पड़ गया तो किसान तो बेकार एकदम हो जाएगा। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित वारंटी जिला बदर की गिरफ्तारी और अवैध शराब, अवैध गांजा, अवैध शस्त्र की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 12-13 मार्च को थाना सिधारी से एक जिला बदर, थाना तरवा से एक जिला बदर, थाना कोतवाली से एक वांछित, थाना बिलेरियागंज से एक वांछित, थाना जियनपुर से एक वांछित, थाना महाराजगंज से दो वांछित तथा थाना सिधारी से एक वारंटी, थाना रानी की सराय से दो वारंटी, कंधरापुर से 5 वारंटी, थाना मुबारकपुर से 2 वारंटी, थाना जहानागंज से 1 वारंटी, थाना निजामाबाद से 9 वारंटी, थाना जियनपुर से 1 वारंटी, थाना महाराजगंज से 7 वारंटी, थाना बिलेरियागंज से 1 वारंटी तथा अतरौलिया से 9 वारंटी, थाना अहरौला से 3 वारंटी, थाना कप्तानगंज से 3 वारंटी, थाना तहबरपुर के 1, थाना फूलपुर के 5, थाना सरायमीर से 1 वारंटी तथा दीदारगंज के 1 वारंटी सहित कुल जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कुल 52 वारंटी, 5 वांछित व 2 जिला बदर को गिरफ्तार किया गया है। जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि पत्रकारों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद में सपा के लोगों ने अपने मुखिया की मौजूदगी में जो बहसियाना हरकत की है वह माफ किए जाने के काबिल नहीं है। शहर के मीडिया हाउस स्थित जर्नलिस्ट क्लब के कार्यालय में पत्रकारों की बैठक को संबोधित करते हुए श्री द्विवेदी ने कहा कि इस मामले में आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी तथा आगामी 15 मार्च को दोपहर 12 बजे काली पट्टी बांधकर सपा के जिला कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए सपा मुखिया को संबोधित ज्ञापन सपा जिला अध्यक्ष को सौंपकर उनको उनकी गलती का एहसास कराया जाएगा। साथ ही उसी के बाद राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपकर घटना के न्यायिक जांच व दोषियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई किए जाने की मांग की जाएगी। वरिष्ठ पत्रकार खुर्रम आलम नुमानी ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ के सांसद हैं, ऐसे में मुरादाबाद में पत्रकारों पर हुए हमले के मामले में आजमगढ़ में बड़ा प्रदर्शन होगा। यह विरोध मुरादाबाद से बलिया तक होगा। क्लब के उपाध्यक्ष विनोद सिंह ने कहा कि मुरादाबाद में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में पत्रकारों पर किया गया हमला निंदनीय है, इसका कड़ा विरोध किया जाएगा और यह विरोध अविस्मरणीय होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्रवाई न होने पर सभी राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों का विरोध किया जाना चाहिए।
वसीम अकरम ने कहा कि यह केवल अखिलेश का ही नहीं मसला है, अमूमन यही होता है कि यदि पत्रकार सही सवाल पूछ देता है तो वह सवाल जिस राजनीतिक दल के विपरीत होता है वही पत्रकारों पर सवाल खड़ा कर देता है। क्लब के सचिव संदीप अस्थाना ने कहा कि सपा हमेशा पत्रकारों का सबसे अधिक सम्मान करती रही है, ऐसे में आजमगढ़ के सांसद व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में पत्रकारों पर हुए हमले की जितनी भी निंदा की जाए कम होगी। पुलिस पत्रकार रत्न प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा मुरादाबाद में पत्रकारों को अपने बाउंसर से मरवाना अकल्पनीय व अजीबोगरीब हालात है। ऐसा करवाकर आजमगढ़ के सांसद ने आजमगढ़ को अपमानित किया है। पत्रकार सचिन श्रीवास्तव ने कहा कि भारत के इतिहास में किसी पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह की हरकतें कभी नहीं की गई थी। यदि यही सब करना है तो राजनीतिक दलों के लोग पत्रकारों को बुलाना बंद कर दें, वह अपने दल के सोशल मीडिया पर अपनी बात डाल दें, जिसको पढ़ना व देखना होगा वह पढ़ देख लेगा। और इस पत्रकार वेद प्रकाश सिंह लल्ला ने कहा कि मुरादाबाद की घटना निंदनीय है, इस मसले पर जिले के पत्रकारों को ऐसा प्रदर्शन करना चाहिए जो यादगार हो। इसे लेकर सपा जिला कार्यालय के सामने प्रदर्शन करके निंदा प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए। पत्रकार प्रशांत राय ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सभी दलों के लोगों को पत्र भेजा जाना चाहिए। पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा कि इस तरह की घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए वह कम होगी। इस अवसर पर जलिस क्लब के महामंत्री राम सिंह गुड्डू, सौरभ उपाध्याय, प्रदीप यादव, चमन अस्थाना, हरीश चौहान, गौरव श्रीवास्तव, राजेश पाठक, मनीष पांडे, देवेंद्र मिश्र, नंद किशोर यादव आदि मौजूद रहे। बैठक का संचालन क्लब के संयोजक अरविंद सिंह ने किया। आज पत्रकारों की एक महत्वपूर्ण बैठक थी जो मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने पत्रकारों के ऊपर हमला हुआ है। दुर्व्यवहार नहीं बल्कि हमला हुआ है और उसमें तमाम पत्रकार घायल हुए हैं। उनके बाउंसर्स ने और गुंडों ने पत्रकारों को मारा पीटा है। इस पर हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया है और चूंकि अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद हैं इसलिए सबसे ज़्यादा नैतिक जिम्मेदारी हम लोगों की है कि उनको इस बात के लिए हम लोग यहाँ से कुछ पैगाम भेजें जिससे कि उनको अपने इस कृत्य पर चिंता भी व्यक्त करें और इसका वो खेद प्रकट करें। और इस क्रम में हम लोग आगामी 15 मार्च को समय 12 बजे समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है आजमगढ़ में वहाँ पर हम लोग एक प्रदर्शन करेंगे और एक घंटे का वो प्रदर्शन होगा और जिलाध्यक्ष के माध्यम से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र भेजा जाएगा और वो पत्र इस बाबत होगा कि वो इसके लिए खेद व्यक्त करें। और आजमगढ़ के पत्रकारों का सर उन्होंने शर्म से झुका दिया है और साथ ही साथ हम लोग कलेक्टर आजमगढ़ को एक ज्ञापन देंगे महामहिम राज्यपाल के नाम से और उसमें इस बात की मांग करेंगे कि जो सुसंगत मसला हो उस पर वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो उनके गुंडों और बदमाशों ने पत्रकारों को मारा पीटा है इसकी जांच हो निष्पक्ष तरीके से और जो भी इसका दोषी पाया जाए चाहे वो अखिलेश यादव ही क्यों ना हो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक प्रस्ताव आज इस जर्नलिस्ट क्लब की बैठक में पारित हुआ है कि समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि जो भी राजनीतिक दल हैं जो उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस हो BSP हो BJP हो आम आदमी पार्टी हो सभी दलों के प्रमुखों को एक प्रस्ताव पारित कर चिट्ठी यहां से जा रही है कि यदि आप प्रेस वार्ता में हम लोगों को सम्मान से बुलाते हैं तो सम्मान की मर्यादा को करना भी सीखिए और किसी को बुला करके अपमानित करना ये न तो शोभा देता है किसी राजनीतिक दल के आदमी को और न उसको इस तरीके से का कोई कृत्य करना चाहिए। जयप्रकाश की बात करने वाले लोग जो समग्र समाज को लेकर चलने वाली बात करते हैं एक पत्रकार के सवाल को इतना तिलमिला जाते हैं जैसे कोई गली का कोई गली मोहल्ले का कोई नेता हो। आप अगर बड़े पद पर बैठे हुए हैं या बड़े पद पर रहे हैं इस तरह से बदतमीजी से पेश है और ये आप ध्यान देंगे। शब्दों के बारे में ये भी कह दूं कि वो मीडिया फ्रेंडली रहे हैं। अगर जो मुख्यमंत्री होते हुए भी हम लोग उनको रोक लेते थे उनसे बातें करते थे और जवाब देते थे लेकिन ये जो उनका तेवर ये हताशा का तेवर कहा जा सकता है या वहां क्या घटना हुई ये भी कुछ बातें हो सकती हैं। बावजूद इसके यदि हम 1% ये भी मान लेते हैं कि अगर हमारे पत्रकार साथी से कोई त्रुटि भी वहां पर हुई है तो कम से कम जिन शब्दों का प्रयोग अखिलेश यादव द्वारा किया गया वो बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए था बिल्कुल निंदनीय है।
खास तौर से ये आजमगढ़ अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए हम इस बात को लेकर के और भी मुखर हो गए हैं और इस बात को लेकर के हमें और उन्हें इस बात को बताने की जरूरत है कि पत्रकार इस तरीके से नहीं काम करता जिस तरीके से आप दबाव में लेना चाहते हैं। केवल मुरादाबाद तक सीमित नहीं है, ये पूरे प्रदेश देश सभी जगह इस तरह की स्थिति है। जो भी पत्रकार है उसके साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं लगातार आ रही हैं। हम लोग खुद भी यहाँ फील्ड में रहते हैं, लगातार जिस तरीके से लोगों का व्यवहार रहता है वो अजीबोगरीब होता जा रहा है। तो अब ये अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से एक बड़ा नेता और एक बड़ी पार्टी की तरफ से इस तरह के सब हरकत की गई है वो वास्तव में समझ से परे है। एक 5-स्टार होटल में प्रेस वार्ता बुलाकर और फिर अगर पत्रकार उनसे तीखे सवाल पूछते हैं या कुछ ऐसा पूछते हैं जो उनको मतलब वो असहज होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमला करा दें, घेर के मरवाना पिटवाना। जहां तक हमको जानकारी मिली घटना के बारे में कि बुरी स्थिति हो गई थी वहां, पत्रकारों को जान बचाने के लिए कोई किचन में भागा, कोई बाथरूम में भागा, तो ये आप अकल्पनीय। मतलब हम लोग तो आजमगढ़ जैसे जिले में है, यहाँ से 10 साल पहले इस तरह की एक आध घटना हुई थी कि कमरे में बंद करके जान बचानी पड़े और इस तरीके से, तो ये अजीबोगरीब अब क्या कहा जाए इसमें। तो ये स्थिति हो रही है लगातार और समाजवादी पार्टी आजमगढ़ तमाम इस तरह जुड़ा, तो अजीब लग रहा है हम लोग को। ये बात समझ से परे है कि जिस तरीके से मुरादाबाद में ये घटना घटी है इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। खास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक पूर्व मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता में पत्रकारों पर इतना बड़ा हमला हो, और सबसे शर्मनाक तो ये रहा कि उस हमले को अखिलेश यादव जस्टिफाई कर रहे थे कि हाँ मैंने मरवाया। तो इस तरह की घटनाएं अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री के प्रेस वार्ता में होती है, ये भी नहीं कि पत्रकार बाइट लेने गए थे, आपने बुलाया था, सादर आमंत्रित किया था, अगर आपको किसी एक सवाल से असहज हैं, आप नहीं देना चाहते हैं, तो बात समझ में आती है। और एक शब्द जो गढ़ दिया जाता है कि गोदी मीडिया, अरे भाई आपको कोई अगर सवाल नहीं सूट करेगा तो आप कह देंगे कि गोदी मीडिया है, भाजपा के एजेंट हैं। अरे भाई भाजपा के एजेंट अगर सभी पत्रकार हैं तो आप पत्रकार वार्ता करते क्यों हो भाई? आप अपना अपना सोशल मीडिया अकाउंट चलाओ, ट्विटर पे फेसबुक पे डाल के और शांत हो जाओ, पत्रकारों को क्यों आप बुलाते हो? और जिस तरह से रतन जी ने कहा बात सही है कि उस घटना में पत्रकारों को जान बचानी पड़ी, लगभग 1 दर्जन पत्रकार घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं, और एक पूर्व मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि मैंने मरवाया, और कल उन्होंने अपने एक दूसरी जगह रामपुर के कार्यक्रम में बोल दिया कि ये तो सरकार का प्रायोजित सरकार ने कराया। तो हर बात पे सरकार को दोष आप कैसे दोगे? कैमरे लगे हुए थे, सब लाइव चल रहा था। तो इस तरह से अखिलेश यादव इस बात को कम से कम पत्रकारों से माफी मांगे, और सरकार को भी चाहिए और मुरादाबाद के हमारे पत्रकार भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि इस पे वैधानिक कार्रवाई करें और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और यहाँ की ओर से इस घटना की निंदा करने के साथ ही राज्यपाल को जो ज्ञापन देने का हमारा प्रस्ताव है वह तो सही है, लेकिन हमारे जिले का सांसद और एक रीजनल पार्टी का नेता जिस हिसाब से मीडिया वालों के साथ दुर्व्यवहार करता है या करवाता है, उसकी हम चाहते हैं कि अपने जिले में भी कुछ इस तरह का विरोध प्रदर्शन हम पत्रकार भाइयों की तरफ से किया जाए कि एक संदेश उस पार्टी के मुखिया तक, चाहे जिला प्रशासन के माध्यम से या यहाँ उस पार्टी के जिला अध्यक्ष के माध्यम से, एक पुरजोर विरोध हम पत्रकारों द्वारा हो जाए। उसके साथ साथ यह भी देखना है कि क्यों अखिलेश यादव का, कि यह वही समाजवादी पार्टी है जो सबसे अधिक पत्रकारों का सम्मान करती रही है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में इस तरह का हो वह ऐसा बयान दे, यह निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम। के राष्ट्रीय अध्यक्षों को जहाँ जहाँ पत्रकार तमाम अपनी जगहें अटेंड करते हैं जाते हैं, या जरूरी नहीं है, पत्रकार का काम जरूरी थोड़ी नहीं कि आप बुलाए तो ही खबर करें, पत्रकार तो काम है कि उसको लग गया कि यह खबर बन सकती है तो पहुंच जाता है। तो ये चीजें सबको जानी चाहिए लेटर कि इनके साथ अगर ये ऐसा करते हैं तो उनका सामूहिक रूप से बहिष्कार होना चाहिए, लेकिन जवाबदेही सबसे मांगी जाए कि इसके लिए सब लोग चाहे जिस भी पार्टी के हों
वह जवाब दें और ताकि पत्रकारों का जो सम्मान है वो बचा रहे। कोई भी पत्रकार को फोन आता है अपना पत्रकार अपने पेशे के मुताबिक, जैसे आ गया कि 4 बजे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आप आ जाइए, साधारण मंत्री थे भैया, आदमी अपना टीम लेके रिपोर्टर और कैमरामैन उसके चले जाते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा भी लेके चले जाते हैं। अब जो आयोजक मंडल है तो उसका दायित्व तो है ना, जैसे मैं यहीं पे आया हूँ उस कार्यक्रम स्थल पर, हम लोग उसके आयोजक हैं। अब यहाँ पे कोई आदमी आए कवरेज करने आए, समाचार बनने आए, कुछ बात कहता नहीं कहता, प्रिय है प्रिय है, वो आप उसको किसी भी तरह सेटल कर सकते हैं। लेकिन जो ये असंवैधानिक तरीका है मारने पीटने का, गुंडागर्दी करने का, इसकी घोर निंदा करता हूँ। इसको कड़ाई से इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रपति महोदय को इस पर, महामहिम को इसको ध्यान देना चाहिए कि पत्रकार मीडिया जो चौथा स्तंभ है तो उसका सम्मान बरकरार रहे। और कभी किसी जगह छोटा पत्रकार हो बड़ा हो सोशल मीडिया का हो, लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे जो है वेबसाइट वगैरह आ गई हैं वो उसका मान्यता नहीं होती, ये बात नहीं है। सही आदमी कोई भी हो सकता, बड़ा आदमी भी गलत हो सकता है, और कोई किस काम के लिए आए उसको देखा जाए। कोई रिपोर्टिंग करने आए तो वो बड़ा ही काम है, चाहे वो किसी भी पेपर का है। मैं इसकी निंदा करता हूं और सोमवार को हम लोग उसका विरोध प्रदर्शन करें। राज्य कर्मचारी का दर्जा सम्मानजनक मानदेय सहित अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। शनिवार को रिक्शा स्टैंड पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांगों को शीघ्र पूरा किए जाने की मांग की। धरने की अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्ष द्रौपदी सिंह और संचालन जिला उपाध्यक्ष नीतू सिंह ने किया। धरने को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष द्रौपदी सिंह ने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की आवाज़ को अपनी हठवादिता के जरिए दबाना चाहती है। हमारी मांगे जायज हैं, सरकार ने कई बार आश्वासन भी दिया है, लेकिन जब जब वादों को पूरा करने का समय आता है तो वह ठगने का काम करती है। इसी को लेकर 16 मार्च को संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा जो कि लखनऊ में होगा। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां 15 मार्च को लखनऊ के लिए कूच करेंगी। खुशखबरी, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त बैंकिंग संस्था गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड में बम्पर भर्ती, फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की 1000 वैकेंसी। संपर्क करें इन नंबरों पर, हेड ऑफिस विक्रांत खंड गोमती नगर लखनऊ, एडमिन ऑफिस कुंदीगढ़ आजमगढ़, ब्रांच ऑफिस कंधरापुर बेलैसा हरियाणी जौनपुर और गोंडा। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड के डेली डिपॉजिट प्लान, मंथली डिपॉजिट प्लान, फिक्स डिपॉजिट प्लान, पेंशन प्लान एवं MIS प्लान में निवेश करें और पाएं कम समय में अच्छा रिटर्न। गिव योर चाइल्ड अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एट द आयरिस स्कूल पूरा ज्योति मुकेरीगंज आजमगढ़। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम क्लास प्ले ग्रुप 2। अपने बच्चों को दीजिए विश्व स्तर की शिक्षा एट दी आर एस स्कूल पूरा ज्योति मुकेरीगंज आजमगढ़। एडमिशन ओपन फ्रॉम क्लास प्ले ग्रुप टू क्लास 8। वुडेन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, UPVC विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार UPVC विंडो और डोर्स। दीमक पेंट पॉलिश के खर्चों से बचें, हाई सिक्योरिटी साउंड प्रूफ एनर्जी सेविंग फायर रेजिस्टेंट वाटर प्रूफ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। UPVC विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स BJP ऑफिस रोडवेज सिविल लाइंस आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़ अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।